नमस्कार। कोरोना वायरस को लेकर सबसे जो अहम सवाल हम सबके सामने है वो यही है, क्या भारत किसी तरह कोरोना वायरस पर काबू पा रहा है कि कोरोना वायरस के केसेस बढ़ते चले जा रहे हैं और एक ऐसे तरह बढ़ते चले जा रहे हैं कि उन पर काबू पाना मुश्किल होगा। अगर आप उन देशों को देखें जहां संकट खास बहुत गंभीर हो गया था, वो ऐसे देश हैं जहां कोरोना वायरस के केसेस एक एक्सपोनेंशियल तरीके से बढ़ते चले गए। उसका क्या मतलब है? आज 500 नए केस होंगे, कल 600, फिर 1000, फिर 2000, फिर 5000, फिर 10000, फिर 20000। अगर ऐसी स्थिति किसी भी देश में आ जाए तो वहां के अस्पताल किसी न किसी तरह मैनेज नहीं कर पाएंगे, वहां ICU भर जाएंगे, वेंटिलेटर्स काफी नहीं होंगे और लोगों की मौत होने लगेगी। यही हमने स्पेन में देखा, इटली में देखा, अमरीका में देख रहे हैं। अब भारत की नजर की तरफ अगर हम नजर बढ़ाएं तो पिछले कुछ दिनों में शायद कहा जा सकता है कि हमारे सामने अच्छी खबर है। भारत में केसेस पिछले 4-5 दिन में लगभग हर एक दिन 500 नए केसेस हमारे सामने आ रहे हैं, 500 नए केस। अब आप कह सकते हैं कि इसका मतलब है कि केसेस बढ़ते चले जा रहे हैं। हाँ, वो बात सही है, पर केसेस के बढ़ने की संख्या वही है जो रफ्तार से केसेस बढ़ते चले जा रहे हैं, 500 है हर एक दिन। उसका मतलब है कि अभी एक्सपोनेंशियल कर्व नहीं है, ये फ्लैट ग्रोथ इसको कहा जा सकता है, तो घबराने की जरूरत कुछ हद तक कम है। आप ये भी कह सकते हैं कि इसका शायद ये मतलब हो सकता है कि काफी टेस्टिंग नहीं हो रही है, और वो बात सही भी हो सकती है, पर हमें यह सोच के सामने चलना चाहिए कि 1,60,000 केसेस की टेस्टिंग हो गई है। और अगर आप देखेंगे कि कल ही ICMR के मुताबिक करीब 13,000 टेस्ट हुए थे, उनमें से सिर्फ 300 या 400 पॉजिटिव थे। उसका मतलब है कि 97% केसेस नेगेटिव हैं। तो अभी जश्न मनाने का माहौल नहीं है, ना हमें कहना चाहिए कि हाँ हम कोरोना वायरस को किसी तरह हरा चुके हैं, पर कुछ आशा के संकेत हमारे सामने हैं, उनको पकड़ के हमें सामने बढ़ना चाहिए। अब देखते हैं आज की सुर्खियां। गुरुवार शाम 5:30 बजे तक देश भर में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 5,865 हो गई है। 591 नए मामले दर्ज किए गए हैं। 5,218 केस एक्टिव हैं। 478 लोगों की रिकवरी हो चुकी है अब तक पूरी तरह से। तो वहीं 20 नई मौतों के साथ मौत का आंकड़ा बढ़कर देश भर में 169 हो गया है। वहीं दुनिया की बात करें तो दुनिया भर में कोरोना संक्रमितों की संख्या 15,00,000 के पार जा चुकी है। यह आंकड़ा 15,30,000 के करीब पहुंच चुका है। तो वहीं गुरुवार शाम 5:30 बजे तक कुल मौतों का आंकड़ा दुनिया भर में 90,000 के पास आ गया है, जबकि 3,33,000 से ज्यादा लोग अब तक रिकवर हुए हैं। देश में टेस्टिंग और पॉजिटिव मामलों के रेशियो में बढ़ोतरी नहीं हुई है, जो कि एक अच्छा संकेत है। ICMR ने बताया है कि 8 अप्रैल की रात तक भारत में कुल 1,27,919 सैंपल का टेस्ट किया जा चुका है। इनमें से 5,114 सैंपल का टेस्ट पॉजिटिव रहा है, जो कि 4% के करीब है, उससे थोड़ा कम ही है। ICMR के मुताबिक पिछले 1 से 1.5 महीनों में पॉजिटिव रेट 3 से 5% के बीच ही रहा है, जो कि अच्छा संकेत है, इसमें ज्यादा बढ़ोतरी नहीं हुई है। वहीं ICMR ने बताया है कि बुधवार को उसने 13,143 सैंपल का टेस्ट किया है, जिनमें से 320 को पॉजिटिव पाया गया। ये प्रतिशत के लिहाज से 2.44% ही है, जो कि अच्छी बात है। हालांकि सवाल उठ रहे हैं टेस्टिंग के नंबर्स पर। भारत सरकार कोरोना के बढ़ते मामलों को कम करने की हर संभव कोशिश कर रही है। इसी कड़ी में अब केंद्र सरकार ने 3 चरणों की नई रणनीति बनाई है। इसके लिए केंद्र सरकार ने इंडिया COVID-19 इमरजेंसी रिस्पांस हेल्थ सिस्टम का ऐलान किया है, जिसके तहत हेल्थ सिस्टम मजबूत करने के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पूरा फंड केंद्र सरकार देगी। इस पैकेज के अंतर्गत राज्यों को 3 चरणों में फंड दिया जाएगा। पहला चरण जनवरी 2020 से जून 2020 तक है। इसके लिए पैसा भेज दिया गया है। इस चरण में फंड का इस्तेमाल कोविड हॉस्पिटल, आइसोलेशन वार्ड, ICU, वेंटिलेटर्स, ऑक्सीजन सप्लाई, लैब, मास्क, हेल्थ वर्कर्स की नियुक्ति जैसी जरूरी चीजों में खर्च किया जाएगा। वहीं दूसरा चरण जुलाई 2020 से मार्च 2021 और तीसरा चरण अप्रैल 2021 से मार्च 2024 तक होगा। देश में लॉकडाउन 14 अप्रैल को खत्म होगा या बढ़ेगा, ये सवाल सबके जहन में है। लेकिन इस बीच पंजाब और ओडिशा ने पहल की है। पंजाब ने राज्य में बढ़ते मामलों को देखते हुए राज्य में जारी कर्फ्यू को 30 अप्रैल तक बढ़ा दिया है। पंजाब देश में पहला राज्य है
जिसने अपने यहाँ कर्फ्यू लगाया था। दूसरी तरफ ओडिशा ने भी अपने राज्य में लॉकडाउन को 30 अप्रैल तक बढ़ा दिया है। खास बात यह है कि ओडिशा में पिछले दो दिनों से एक भी नया केस सामने नहीं आया। राजधानी भुवनेश्वर में 5 क्षेत्रों को सील कर दिया गया है। यहाँ 4,000 लोगों को निगरानी में रखा गया है। इसके साथ ही ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने कहा कि 17 जून तक राज्य में सभी शैक्षणिक संस्थान बंद रहेंगे। कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए दिल्ली सरकार ने राजधानी में 20 हॉटस्पॉट चिन्हित किए हैं, जहां लोगों का घर से निकलना बंद कर दिया गया है। यहां जरूरी सामानों की होम डिलीवरी की जा रही है। ऐसे में क्वारंटीन किए गए परिवारों से कूड़ा इकट्ठा करने के लिए पूर्वी दिल्ली नगर निगम ने एक अलग टीम तैयार की है। कोरोना वायरस के खतरे को देखते हुए इन सफाई कर्मियों ने पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट यानी PPE पहने हैं। इन सभी इलाकों को फिलहाल सील कर दिया गया है। इन इलाकों में किसी को घुसने या बाहर निकलने नहीं दिया जा रहा है। बता दें, राजधानी दिल्ली में कोरोना केस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। फिलहाल दिल्ली में कोरोना वायरस के कुल मामले 669 हो गए हैं। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए आने वाला एक हफ्ता देश के लिए बेहद अहम है। इसी के मद्देनजर यूपी सरकार ने 15 जिलों के 104 हॉटस्पॉट को पूरी तरह से सील कर दिया है। ये वो जगह हैं जहां 6 या 6 से ज्यादा कोरोना वायरस के केस पाए गए हैं। इन इलाकों में स्वास्थ्य विभाग और होम डिलीवरी के अलावा सभी का आना जाना पूरी तरह से बंद होगा। अब सवाल उठता है कि अगर हॉटस्पॉट सील हो गए हैं तो कैसे लोगों को जरूरी सामान मिलेगा? तो जरूरी सामान के लिए आप ऑर्डर कर सकते हैं, इनकी डोरस्टेप डिलीवरी कराई जाएगी। बाहर निकलने पर मास्क पहनना अनिवार्य होगा, वरना कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ये जानना भी आपके लिए जरूरी है कि हॉटस्पॉट सील होने पर आप क्या नहीं कर सकते। इस दौरान आपका बाहर निकलना पूरी तरह से बंद होगा, जैसे कर्फ्यू में होता है। बाहर दुकानों में जाकर आप खरीदारी नहीं कर सकेंगे। दवा दूध सबकी दुकानें बंद रहेंगी। कोई भी लॉकडाउन पास काम नहीं करेगा। मीडिया कर्मियों को भी बाहर निकलने की अनुमति नहीं होगी। कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए कई राज्यों ने अब मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया है। मुंबई के बाद अब दिल्ली में भी घर से बाहर निकलते हुए हर आदमी को मुंह पर मास्क लगाना जरूरी होगा। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बुधवार शाम अधिकारियों की बैठक के बाद ये फैसला लिया। उन्होंने कहा कि फेस मास्क पहनने से कोरोना वायरस संक्रमण काफी हद तक कम हो जाता है, इसलिए सरकार ने ये फैसला एहतियातन लिया है। PM केजरीवाल ने कहा कि कपड़े के बने मास्क भी चलेंगे। उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं करने पर कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। बता दें कि इससे पहले मुंबई में BMC ने एक आदेश जारी करते हुए घर से बिना मास्क लगाए बाहर निकलने वाले लोगों को गिरफ्तार करने का फरमान भी जारी किया है। तो वहीं यूपी समेत कई और राज्यों ने भी मास्क लगाना जरूरी कर दिया है। एक ऐसे समय जब कोरोना संकट के बीच डॉक्टर हर संभव प्रयास करके देश को इस महामारी से उबारने में जुटे हैं, वहीं उनके साथ अभद्रता के मामलों में भी इजाफा हो रहा है। ताजा मामला दिल्ली के गौतम नगर का है, जहां सफदरजंग हॉस्पिटल की इमरजेंसी में काम करने वाले दो महिला रेजिडेंट डॉक्टर के साथ एक 44 वर्षीय शख्स ने मारपीट की। दरअसल ये वारदात उस वक्त हुई जब दोनों डॉक्टर रात 9 बजे फल लेने पहुंची थीं। इसी दौरान इस शख्स ने उन्हें कहा कि आप हॉस्पिटल में काम करती हैं और आपके यहाँ आने से कोरोना वायरस फैल सकता है, जिसके बाद विवाद बढ़ गया और आरोप है कि युवक ने डॉक्टर को थप्पड़ मार दिया। बाद में पुलिस ने आरोपी शख्स को गिरफ्तार किया है। अमेरिका को भारत की ओर से दवा दिए जाने के फैसले के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने PM मोदी की तारीफ की थी। अब जवाब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनका शुक्रिया अदा किया है। PM मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति की इस बात से सहमति जताई कि संकट के समय दोस्त नजदीक आ जाते हैं। साथ ही ये भी कहा कि COVID-19 के खिलाफ जंग भारत मानवता की सहायता के लिए हर संभव सहयोग करेगा। PM मोदी ने कहा कि भारत और अमेरिका के बीच साझेदारी अभी तक के सबसे मजबूत दौर में है। बता दें कि ट्रंप ने पिछले हफ्ते फोन पर हुई बातचीत में प्रधानमंत्री मोदी से मलेरिया के इलाज में इस्तेमाल होने वाली दवा हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन भेजने का अनुरोध किया था। भारत में अब साइलेंट कोरोना मरीज बढ़ रहे हैं, इन्हें फॉल्स नेगेटिव मरीज कहा जाता है। खुद स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने इस बात पर चिंता जताई है। दरअसल जब कोरोना संक्रमित व्यक्ति में कोरोना के लक्षण नहीं हो और दिखने में स्वस्थ हो तो उसे फॉल्स नेगेटिव मरीज कहते हैं। कई बार जांच में खामी रहने से भी ये मरीज पकड़ में नहीं आते। बता दें, दुनिया में करीब 30% से ज्यादा ऐसे मरीज मिले हैं
दिक्कत यह है कि जब तक केस कंफर्म नहीं होता, संक्रमित मरीज अस्पताल नहीं जाते और इस बीच संक्रमण फैलता रहता है। अब सरकार स्वास्थ्य कर्मियों को इस पर खास ट्रेनिंग देने जा रही है। पूरी दुनिया में कोरोना वायरस के तेजी से फैलने से हाहाकार मचा हुआ है। भारत भी इस वायरस की चपेट में है। शुरुआत में कोरोना वायरस के संक्रमण की संख्या भारत में धीमी थी। 100 से 1000 मरीज तक पहुंचने में 15 दिन लगे थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। 1000 का आंकड़ा पार करने के बाद भारत को 5000 केस तक पहुँचने में सिर्फ 9 दिन लगे और ये चौंकाने वाला आंकड़ा है। यही नहीं, भारत में 5000 से ज्यादा लोग इस बीमारी की चपेट में हैं और गुरुवार सुबह तक लगभग 166 लोगों की मौत हो चुकी। संक्रमण के हिसाब से मौत का ये आंकड़ा सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाले कुछ देशों से भी ज्यादा है। कोरोना वायरस के संक्रमण से सबसे ज्यादा पीड़ित देशों में शुमार अमेरिका, ईरान, स्पेन और चीन है, लेकिन वहाँ भी 5000 केसों तक मौतों का आंकड़ा भारत से कम रहा। वैसे मौत के मामले में स्वीडन की हालत सबसे ज्यादा खराब है। यहाँ 5000 केस पहुँचने तक 282 लोगों की मौत हुई थी। कोरोना वायरस को लेकर गलत जानकारी देकर अफवाह फैलाने वालों को अब फेसबुक और टिकटॉक पर ब्लॉक कर दिया जाएगा। भारत सरकार के मुताबिक इस तरह के झूठे और गलत संदेशों से लोगों में घबराहट फैलने और अन्य नुकसान का खतरा है। अफवाह फैलने वाले वीडियोस को रोकने के लिए आईटी मंत्रालय ने टिकटॉक और फेसबुक को पत्र लिखा है और ऐसे यूजर्स की डिटेल सेव करने के लिए कहा है जो सरकार के मांगने पर उन्हें सौंपी जाएगी। ऐसे यूजर्स पर कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है। दुनिया भर में गुरुवार दोपहर भारतीय समय के मुताबिक कोरोना संक्रमितों की संख्या 15 लाख को पार कर गई। मौत का आंकड़ा भी दुनिया भर में 90,000 के करीब आ चुका है। जैसा कि अनुमान लगाया जा रहा था कि इसी हफ्ते दुनिया में कोरोना से मौतें 1 लाख को पार कर जाएंगी, वो भी सच होता नजर आ रहा है। अभी भी करीब 50,000 लोगों की हालत सीरियस है, वो क्रिटिकल है, लेकिन अच्छी बात यह है कि अब तक 3,30,000 से ज्यादा लोगों ने दुनिया भर में इस खतरनाक वायरस को मात भी दी है। अमेरिका कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित है। यहां अब तक 4,35,000 से ज्यादा लोग इससे संक्रमित हो चुके हैं, तो 15,000 के करीब मौतें हो गई हैं। स्पेन में भी मौत का आंकड़ा अमेरिका के करीब आ चुका है, लेकिन सबसे ज्यादा मौतें इटली में हुई हैं। यहाँ करीब 17,000 लोग कोरोना की वजह से अपनी जान गंवा चुके हैं। फ्रांस में भी 11,000 के करीब मौतें हुई हैं। इस बीच एक चिंता की बात यह है कि चीन में एक बार फिर से नए केसेस में तेजी आई है और कुछ मौतें भी बीते दिन दर्ज की गई हैं। तो उधर साउथ कोरिया में भी बीते दिन कई केस दर्ज किए गए और मौतें भी हुई हैं। ये अच्छा संकेत नहीं है। वहीं रूस में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ते नजर आ रहे हैं। अमेरिका से सटे मेक्सिको में भी अब इसका असर साफ नजर आने लगा है। दुनिया के सबसे सुविधा संपन्न देश समझे जाने वाले अमेरिका की हालत कोरोना वायरस ने पस्त कर रखी है। यह लगातार दूसरे दिन इस वायरस ने करीब 2000 लोगों की जान ले ली। गुरुवार को बीते 24 घंटे में अमेरिका में कुल 1,939 लोगों की मौत हुई, जिससे मरने वालों का आंकड़ा बढ़कर 14,788 हो गया। यहां कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या भी बढ़कर 4,34,000 से ज्यादा हो गई है। जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी ने इसकी पुष्टि की है। सबसे खराब स्थिति न्यूयॉर्क की है। अमेरिका का वुहान बने शहर में ही मरने वालों की संख्या बढ़कर 5,400 तक पहुंच गई है। यहां करीब 1.5 लाख लोग कोरोना पॉजिटिव हैं। हालांकि राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि कोरोना वायरस की वजह से होने वाली मौत अनुमान के मुताबिक कम देखने को मिल रही है। पाकिस्तान में भी जमात के जलसे की वजह से कोरोना फैलने के आरोप लग रहे हैं। हालांकि ये आरोप हैं, अभी कोई सरकारी आंकड़े नहीं है। डॉन अखबार के मुताबिक 10 मार्च को पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के रायविंद में जमात का जलसा हुआ था, जिसमें दुनिया भर के 40 देशों से 3000 लोगों समेत करीब 80,000 लोगों ने शिरकत की थी। हालांकि तबलीगी जमात का दावा है कि करीब 2.5 लाख लोग इस जलसे में आए थे। खबर है कि पाकिस्तान में जमात के कई लोगों में कोरोना की पुष्टि हुई है, हालांकि इस पर कोई आधिकारिक जानकारी नहीं आई है। पाकिस्तान में अब तक करीब 4200 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जिनमें से 60 की मौत हुई है। बताया जा रहा है कि रायविंद के मरकज में अभी भी करीब 5000 लोग हैं, जिनमें से 3000 विदेशी हैं, जो फ्लाइट रद्द होने की वजह से वहां अटके हुए हैं। हालांकि इनमें से कोई या कितने कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, इस पर भी पाकिस्तान की ओर से कोई सरकारी आंकड़ा सामने नहीं आया है। कोरोना वायरस से पूरी दुनिया में कोहराम मचा हुआ है। ऐसे मौके पर कई नामचीन हस्तियां मदद को सामने आ रही हैं। इस कड़ी में सबसे बड़ा दान माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर के सीईओ जैक डॉर्सी ने दिया है। उन्होंने इस वायरस से लड़ने के लिए अपनी संपत्ति का 28% हिस्सा यानी करीब 7500 करोड़ रुपए दान कर दिया है।
इसकी जानकारी खुद डॉर्सी ने ट्वीट करके दी। खास बात यह है कि डॉर्सी ने एक लिंक भी शेयर किया है जिससे कोई भी शख्स ये जान सकेगा कि ये राशि कहां और कैसे खर्च हो रही है। उन्होंने ये रकम स्टार्ट स्मॉल फाउंडेशन को दी है। इस समय जैक डॉर्सी की कुल संपत्ति $3.3 बिलियन है। टीम इंडिया के पूर्व विस्फोटक ओपनर वीरेंद्र सहवाग ने कोरोना से बचने के लिए लोगों से घरों में रहने की अपील फिल्मी स्टाइल में की है। उन्होंने 1996 में आई सनी देओल की फिल्म जीत का डायलॉग बोलते हुए सभी को घरों में ही रहने को कहा है और साथ ही अच्छे वक्त के जल्दी लौटने की उम्मीद भी जताई है। इन हाथों ने सिर्फ हथियार छोड़े हैं, चलाना नहीं भूले। लॉकडाउन की वजह से साफ हुई गंगा और यमुना की तस्वीरें लोगों को खूब सुकून दे रही हैं। ऐसी ही राहत देने वाली खबर असम से भी है। यहाँ कल कारखाने बंद होने के साथ साथ घाटों पर गंदगी, नहाना और कपड़े धोने जैसे दूसरे काम बंद होने की वजह से ब्रह्मपुत्र नदी का पानी बेहद साफ हो गया है। जो पानी पहले मटमैला हुआ करता था वो अब बिल्कुल साफ दिख रहा है। इस बॉटल में भरे पानी को देखकर आप इस बात का अंदाजा खुद लगा सकते हैं। यहाँ तक कि अब तो ब्रह्मपुत्र के आसपास रहने वाले इस पानी का इस्तेमाल अब दैनिक उपयोग में करने लगे हैं। नदी के अलावा यहाँ की आबो हवा में भी काफी सुधार हुआ है। बॉलीवुड सुपरस्टार आमिर खान ने भी कोरोना महामारी से लड़ रही सरकार को आर्थिक मदद प्रदान की है। आमिर ने पीएम केयर्स फंड, महाराष्ट्र सीएम रिलीफ फंड के साथ साथ फिल्म वर्कर्स एसोसिएशन को भी आर्थिक योगदान दिया है। सूत्रों के मुताबिक आमिर ने अपने योगदान को सार्वजनिक नहीं करने का फैसला किया है। रिपोर्ट्स की माने तो आमिर अपनी अपकमिंग फिल्म लाल सिंह चड्ढा के डेली वेज वर्कर्स को भी आर्थिक मदद करेंगे।